बर्ड वॉच न्यूज के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। कैमूर शहर व आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर पसंद आए तो उसे लाइक करें व औरों को भी शेयर करें। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। जिला कलेक्टर तरुण राठी ने दमोह शहर की संपूर्ण सीमाओं को सील कर दिया है। पड़ोसी जिले में कोरोना वायरस का पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कलेक्टर सभा कक्ष में हुई बैठक के बाद जिला कलेक्टर ने बताया कि दमोह शहर को 14 तारीख तक पहले ही लॉकडाउन किया गया था, अब दमोह की संपूर्ण सीमाएं सील की जा रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि किसी को बाहर जाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई पास नहीं मिलेगा। आइए सुनते हैं क्या कहना है जिला कलेक्टर महोदय का। सागर में भी पॉजिटिव केस एक निकला है, तो उसको लेकर के आज जो जिला स्तरीय समिति है उसकी बैठक आयोजित की गई थी। उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं कि जो हम एक तो पूरे ज़िले को हम सील कर रहे हैं, अब किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं रहेगी, और जो पासेस वगैरह भी इशू हो रहे थे वो भी अब आगे से इशू नहीं होंगे। और इसके साथ ही हम लोग ये भी जो हमने 14 अप्रैल तक पूर्णतः लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है उसको भी पूरी तरीके से ठोस तरीके से अपने को इम्प्लीमेंट करना है, ताकि ज़िले में संक्रमण की किसी भी जो संभावना है उससे हम लोग बचे रहें। और मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि सब लोग अपने घरों में रहें, क्योंकि स्थिति जैसा कि आप देख रहे हैं कि पड़ोसी ज़िले में केस आया है, तो अपन सतर्क रहेंगे और सावधान रहेंगे तो उसी में अपनी जो है भलाई रहेगी। सर ये भी एक वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं कि जो बाहर से जो ट्रक अगर किस शहर में प्रवेश करेंगे तो उनको सैनिटाइज करने के बाद ही हम उनको शहर में प्रवेश देंगे, ताकि जो हमारे समीपवर्ती जिलों से आने वाले ट्रकों में जो भी संक्रमण की यदि कोई संभावना होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। और इसके साथ ही हमने ट्रक ड्राइवरों के संबंध में भी हम एक व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं, जिसमें ट्रक के जो बाहर आने जाने वाले ट्रक ड्राइवर से उनके रहने के लिए एक जगह निश्चित की जाए, ताकि उनका किसी और से संपर्क ना हो सके और जो संक्रमण फैलने की जो संभावना है वो पूरी तरीके से कम हो।